दोस्तों, अगर आप बिगिनर्स गार्डनर है, बिगिनर गार्डनर है, तो आपको ये कोलियस प्लांट अपने गार्डन में ऐड ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कम देखभाल में और बड़ी आसानी से ये लग जाते हैं, 100% ये ग्रो हो जाते हैं, तो और आपके गार्डन में बहुत सारे कलर्स भी ऐड करते हैं, तो आप इसको ज़रूर लगाइए। ये देखिए दोस्तों, ये जो प्लांट्स लगे हैं ये बॉटल प्लांटर में लगे हैं, बहुत छोटा है प्लांटर है, इसको आप छोटे से छोटे प्लांटर में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, मेरे 2.5 इंच का ये थोड़ा छोटी सी एक मिट्टी का पॉट है, इनमें भी ये कितना बड़ा प्लांट लगा हुआ है, ये देखिए। नमस्कार, जय जगन्नाथ, मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अरुंधति। दोस्तों ये देखिए, मेरे कुछ कोलियस प्लांट्स हैं, ये देखिए कितने अच्छी तरह से इनके ग्रोथ हो रहे हैं। और ये जो परमानेंट प्लांट होते हैं, पेरिनियल, और इसको हम अगर बचाएंगे तो कैसे बचाएंगे, अभी तो इनकी डोरमेंसी का पीरियड चल रहा है, अभी ये बीज बनाते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर कैसे बीज बना हुआ है, तो ये बीज को हमें तोड़ के निकाल देना है, ये देखिए इसको निकाल देना है। और ये जो टिप्स होते हैं ना, ये टिप को हमें यहाँ देखिए, ये बीज बन रही है, शुरू हो रही है, तो विंटर सीजन में ये इतने बीज बहुत बनाता है, तो क्योंकि इसकी डोरमेंसी का टाइम है, मतलब ख़त्म होने का टाइम है ये, तो अभी इसकी हम कोटलियस की जो कटिंग्स होते हैं इसको हमें बनाते रहना चाहिए, तो नई नई प्लांट्स इससे बनते रहेंगे। ये देखिए, मैंने ये पैकेट में लगाया है, ये कितने छोटी सी कटिंग लाई थी मैं, ये कलर मेरे पास नहीं था, तो ये देखिए ये भी हो गई है, और ये भी देखिए, ये भी एक पैकेट में ही मैंने लगा रखा है, और ये देखिए कितनी घन, तो ये देखिए ये इसकी जो थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे से ऐसे इसकी टिप को हम तोड़ते जाएंगे, अगर हम टिप को तोड़ेंगे तो फिर नीचे से ब्रांचेस और भी निकलेंगे और ये और भी घना होता जाएगा और भी खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, ये भी मैंने, ये सारे जो कोलियस आप देख रहे हैं ये सारे मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हुए हैं, एक भी खरीदा नहीं है, तो इसको समय समय पर हमें कटिंग बनाते रहना है, इसको प्रूनिंग करनी है और इसकी कटिंग को हमें ग्रो करना है, तभी ये प्लांट हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भी, ये देखिए थोड़ी थोड़ी ऊपर का हिस्सा, अगर हमें इतनी सी कटिंग भी लगा दूं तो ये भी अच्छी तरह से चल जाएगा। और यहाँ देखिए, मैंने ये पानी में भी थोड़े से ग्रो कर रखे हैं, यहाँ ये देखिए ये पानी में है, ये मैंने सिंगोनियम के साथ मैंने पानी में डाल दी थी इसको, ये देखिए इतनी अच्छी तरह से इसकी जो रूट्स हैं, ये देखिए कितनी अच्छी रूट्स बने हैं, ये देखिए, तो ये पानी में भी आसानी से ग्रो हो जाती है, ये देखिए। तो ये देखिए मेरे सारे जो यहाँ पर, ये देखिए मैंने ये ग्लास में कटिंग लगा रखा है, तो यहाँ पर भी ये देखिए फ्लावर आ रही है, तो इसको भी हमें निकाल लेना है, फ्लावर नहीं बनने देना है, क्योंकि अगर ये फ्लावर बनता है तो फिर इसकी नेक्स्ट प्रोसीजर है बीज बनाना, और बीज बन गया तो फिर ये प्लांट डाई हो जाएगा। ये देखिए छोटे छोटे से डिस्पोजेबल ग्लासेस में मैंने लगा रखा है, और ये देखिए इसकी जड़ें भी बाहर निकल रहे हैं, मतलब कितनी अच्छी तरह से इसकी रूटिंग हुई है। और ये देखिए मैंने सिर्फ रेत में लगा रखा है, रिवर्स हैं, सिर्फ रिवर सैंड में ही लगा रखा है, तो इसको हम समय समय पर ऐसे ही प्रूनिंग करते रहना है और नए नए प्लांट्स बनाते रहना है, तो ये बहुत इजी ग्रोथ करता है और इसकी कोई भी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ बीच बीच में इसको हमें ये जो टिप की एरिया होती है इसको निकालते रहना है। बस दोस्तों, यही था एक छोटा सा वीडियो कोलियस के ऊपर। वीडियो कैसा लगा और मेरे प्लांट्स कैसे आपको लगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आए
तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।